गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एपीएससी स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसमें मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल की क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें लवण सेतु क्या कार्य करता है और ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। इस तरह का कुछ अपन ने विद्युत रासायनिक सेल का एक पोर्शन चल रहा है, विद्युत रासायनिक सेल। इसमें दो सेल होते हैं, दोनों सेलों में एक में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और एक में अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये ZN की छड़ है जो एनोड का कार्य करती है और ये कॉपर की छड़ है जो कैथोड का कार्य करती है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था आपको, ये आपका ZnSO4 का विलयन, ये आपका CuSO4 का विलयन, दोनों को चालक तार की सहायता से एमीटर या वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। यहां पर जिंक की, यहां पर क्या क्रिया होती है, ZN इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन इस विलयन में आते हैं और यहां पर जो Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस छड़ पे, मतलब जिंक की छड़ का भार तो धीरे धीरे कम होगा, ये तो पतली होती जाती है और ये मोटी होती जाती है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसको इसलिए इसको ऑक्सीकरण सेल भी बोलते हैं। इस पर कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस पर धनात्मक आवेश आता है, इस पर ऋणात्मक आवेश आता है, यहां इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। ये चीजें बता दी थी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होगा, विद्युत धारा इधर बहेगी विपरीत दिशा में, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। कुल मिला के अभिक्रिया क्या होती है, जो ZN है सॉलिड और इधर एक Cu+2 आयन है विलयन में, तो इनका तो ऑक्सीकरण होता है, ये तो Zn+2 आयन में बदल जाते हैं। पूरे सेल को अगर मैं प्रदर्शित करूं तो, और Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड में, ठोस कॉपर में बदल जाते हैं, ये अभिक्रिया होती है। इसका तो ऑक्सीकरण, नेट अभिक्रिया लिखू तो, और इसका अपचयन, तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग सेल में कराते हैं और इनको लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं। ये लवण सेतु के कार्य मैंने बता दिए थे, समझा दिया था आपको, लवण सेतु ये अपने पिछली क्लास में रिपीट कर लिया था। अब आता है सेल का प्रदर्शन, कि एक सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अलोन, अलोन का मतलब एन, ए से एनोड, लेफ्ट साइड बाई तरफ रखोगे, इधर ओ से ऑक्सीडेशन, एन से नेगेटिव, और ई से इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड क्या है, जो बाई तरफ रखा जाता है, हमेशा बाई तरफ रखा जाएगा, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, आवेश कैसा होगा, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। जिस इलेक्ट्रोड पर ये सारी चीजें होती है, बाई तरफ होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो। अब आता है सेल का प्रदर्शन, ये इस सेल की अभिक्रिया है, दोनों अभिक्रियाओं को, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर लिखा है भाई। इधर क्या हो रहा था, ZN है जो ZN+2 में टूट रहा था, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था, इधर क्या हो रहा था,
प्लस टू आयन है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर प्लस टू कॉपर में बदल रहे थे, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया मैंने। इधर की अभिक्रिया ये थी, जेडन जेडन प्लस टू में बदलता था और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था। ये तो एनोड की अभिक्रिया। कैथोड पर क्या हो रहा था, कॉपर प्लस टू आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल रहे थे, ये कैथोड की अभिक्रिया। तो इन दोनों दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गए, दोनों को मिला के लिख दिया, तो पूरी एक कंप्लीट अभिक्रिया आ गई। अब आता है सेल का प्रदर्शन। सेल का प्रदर्शन, सेल का प्रदर्शन कैसे करते हैं, अभी बताया था, इसको याद रखो। एनोड की अभिक्रिया को बाई तरफ लिखते हैं, कैथोड की अभिक्रिया को दाई तरफ लिखते हैं, और लवण सेतु को दो खड़ी रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। मतलब ऑक्सीकरण अर्धसेल, ऑक्सीकरण या एनोड, बीच में दो लाइन, इधर अपचयन या कैथोड की अभिक्रिया, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इस सेल को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा, देख लो, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो एनोड पर क्या हो रहा है, जो आपका जिंक है, जिंक सॉलिड है, वो किस में बदल रहा है, जेडन प्लस टू में, एक्वेटिक में। यहां पर विलयन की सांद्रता भी लिख देते हैं, ये एक्वेटिक विलयन की जो सांद्रता होती है उसको भी लिख दिया जाता है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, यहां पर सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। सी ऑक्सीजन एनोड की सांद्रता, सी कल। फिर बीच में दो लाइन, ये दो लाइन किसको दर्शाती है, लवण सेतु को, ये लवण सेतु को दर्शाती है। इधर कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है, जो कॉपर प्लस टू आयन है, विलयन में कॉपर प्लस टू आयन है एक्वेटिक, वो किस में बदल रहे हैं, कॉपर में बदल रहे हैं, सोलिड। तो ये इस सेल का क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया। तो सेल का प्रदर्शन करना आपको आना चाहिए, इनका अर्थ आना चाहिए भाई, इधर एनोड की अभिक्रिया है, इधर कैथोड की अभिक्रिया है, ये पता होना चाहिए। बाई तरफ एनोड को लिखते हैं, दाई तरफ कैथोड को लिखते हैं, ये चीज पता होना चाहिए आपको। तो ये तो हो गया सेल का प्रदर्शन। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो वो परिभाषाएं देखेंगे अपन। सबसे पहले है इलेक्ट्रोड विभव, हाँ भाई ये मैं मिटा देता हूं, इलेक्ट्रोड विभव। देखो इन सेलों में क्या होता है, अगर अपन देखें, मान लीजिए एक सेल को देखता हूं मैं, ये Zn-SO4 का विलयन, ये जिंक की छड़, जिंक की छड़। अब यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन विलयन में आते हैं, तो इस छड़ पर तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब छड़ तो क्या हो गई, ऋणावेशित, छड़ तो क्या हो जाती है, ऋणावेशित। और इस विलयन में क्या आ जाते हैं, Zn+2 आयन, तो ये विलयन कैसा हो जाता है, धनावेशित। तो इनके बीच एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, धातु की छड़ और धातु लवण के विलयन के मध्य क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, आवेशों का अंतर आ गया ना, आवेश, एक तरफ ऋणावेश है, एक तरफ धनावेश है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धातु एवं धन
धातु लवण के विलयन, विलयन के मध्य उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब जो प्रत्येक धातु अपने विलयन के साथ साम्य अवस्था होती है, यहां पर क्या अभिक्रिया हो रही है? ZnS सॉलिड, ये Zn प्लस टू आयन और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। तो कुछ समय बाद धातु का अपने विलयन के साथ साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। यहां पर ये सॉलिड Zn प्लस टू आयन एक्वेटिक और ये दो इलेक्ट्रॉन। साम्यवस्था कैसे? धातु तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाता है और आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? धातु। तो आवेशों का क्या हो जाता है? यहां पर पृथक्करण हो जाता है, इसके कारण क्या होता है? यहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण आवेशों का क्या हो जाता है? पृथक्करण। आवेशों का पृथक्करण, साम्यवस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो, आवेशों का पृथक्करण होने के कारण विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। अब ये तो हो गई कि इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है बेटा। एक, अगर धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो उसे अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव, और धातु की छड़ पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं अपचयन विभव। कहीं तो ऑक्सीकरण के कारण आवेशों का पृथक्करण होगा, कहीं पर अपचयन की अभिक्रिया का कारण भी आवेशों का पृथक्करण होगा। तो जो अभिक्रिया होती है उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है। तो इस चीज को भी नोट कर लो, ये कुछ परिभाषा है। यदि इलेक्ट्रोड पर, यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, होती है, तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है ना। और यदि अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, तो इसे अपचयन विभव कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। लेकिन हम मानक परिस्थितियों में मानक विलयन लेकर ऑक्सीकरण और अपचयन विभव ज्ञात करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो इलेक्ट्रोड विभव है ये मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब हम मानक देखेंगे दोनों। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको ई नोड से लिखते हैं, ई नोड मानक इलेक्ट्रोड विभव को। ये क्या है, 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब होने पर, क्या है, 1 एटीएम दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन का, मतलब जो धातु लवण का विलयन लिया है वो कितना लिया है, 1 मोलर सांद्रता का लिया है, विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP कहलाता है। अब देखो जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का था, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार का होगा। भाई अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है इस कंडीशन में तो वो मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, और अगर अपचयन की क्रिया संपन्न हो रही है तो वो मानक अपचयन विभव हो जाएगा। तो ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, पहला मानक ऑक्सीकरण विभव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो SOP शॉर्ट में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। किसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर 1 मोलरता वाले धातु लवण विलयन का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, SOP कहलाता है। अभी बस अपचयन अभिक्रिया के लिए निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव इसको ई नोड ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, किसी अपचयन अभिक्रिया के लिए दो सौ 98 केल्विन ताप, 1 एटीएम दाब
पर एक मोलरता वाले धातु लवण विलयन का विलयन में धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा? एसआरपी कहलाता है। ठीक है भाई, ये तो डेफिनेशन हो गई। एक अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वर्तमान समय में मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव को ही माना जाता है, मतलब कि मानक किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक परिस्थितियों में जो उसके अपचयन विभव का मान होता है वो ही उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में बैठा लेना है। ये क्या चीज बैठा लेनी है कि वर्तमान समय में मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लिया गया है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हो तो वो अपचयन विभव ही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव का। अगर आपको किसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो उसका नेगेटिव मान कर दो, वही क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एमटीआर कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, ये माइंड में सेट कर लेना इनको, क्योंकि इनके बिना हम सेल का विभव ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इन दो पॉइंट के बिना सेल का विभव ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना भाई। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ये सारी डेफिनेशन हो गई। अब आता है आपका सेल विभव। तो सेल विभव देखते हैं, सेल विभव क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। विद्युत वाहक बल या सेल विभव, या सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है, किसी विद्युत रासायनिक सेल के अवयवी दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के बीच का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये तब मापा जाता है जबकि सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल के अवयवी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, अवयवी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर
उसका सेल विभव कहलाता है, उसका सेल विभव, ई नोड सेल कहलाता है। और ये कब मापा जाता है? जब सेल के बीच में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और धारा प्रवाहित हो जाएगी जब, तो वो विद्युत विभवांतर बन जाएगा, विद्युत वाहक बल नहीं रहेगा, ये तब मापा जाता है जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है ना। अगर ये मानक परिस्थितियों में मापा जा रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? मानक सेल विभव। मानक सेल विभव कैसे मापते हैं? इनोड सेल, इनोड सेल कैसे मापा जाता है? इनोड कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस इनोड एनोड, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव और कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अपचयन विभव के बराबर। तो ये माइंड में रखना है आपको ये फॉर्मूला। ई नोड सेल तो क्या है? मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। और ई नोड कैथोड, कैथोड का मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव ही लेना है, अपचयन विभव ही इलेक्ट्रोड विभव होता है, कैथोड का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव को ही अपन ने अपचयन विभव माना है। और इनोड एनोड क्या होगा? एनोड का मानक अपचयन विभव। एनोड पर क्रिया ऑक्सीकरण की होगी, पर उसका अपोजिट कर लेना तो अपचयन विभव ज्ञात हो जाएगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव। वर्तमान समय में अपन ऑक्सीकरण अपचयन के चक्कर में नहीं पड़ते, इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं दोनों का। और हमें पता है इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के ही बराबर होता है। तो यहां पर ये फॉर्मूला है। कल मैं अगली क्लास में इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा, इस फॉर्मूले को माइंड में बैठा लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।